श्री शिवाय नमः शुद्ध के बर सिग्गे सब लैका सिया शुद्धा और जल चढ़ाए बर कुनात दिन में होत है। हमार गांव में होत है, 10 किलोमीटर के अंदर में होत, हमार घरे में होत समझ जा। बाबा जी कैसे करके आवत है तेल हम दर्शन करे बर आबो सेवा देबो बिन। जय जोहार छत्तीसगढ़ संगवारी, मैं फिलहाल पहुंचे हूं धर्मनगरी गंडई और जी हां शिव महापुराण की कथा हुई और 18 जून से 24 जून तक शिव महापुराण की भव्य कथा हुई और यहाँ मैं फिलहाल पहुँचे हूँ और शिव महापुराण की कथा के एरिया दिखाना चाहूँ कि ये जगह में हो और साइड में देखा तो आप मन ला साइड में आत्मानंद स्कूल है और आत्मानंद स्कूल है जस्ट ओखर बाद ये बहुत बड़े एरिया में कवरेज हो के बाद आप मन देखा तो अलग से टेंट अलग और लगत है दर्शक मन पर फुल हो जी करके और 3 डोम लगे है। पहला डोम ये है और बीच वाला डोम है जिन हाँ सबसे बड़े डोम रही और लाइट जिन साइड में है और सेकेंड वाला डोम रही, मतलब 3 डोम लगी और बाकी डोम से बाहर के बाद बहुत बड़े इतने अलग से टेंट लगी और जेखर माध्यम वीडियो के माध्यम से बताते सुनवा रही हो आप मतलब देखा हो यहाँ के एरिया आगे में और कितना कन सामान है और ये मैं देखा तो पूरा सामान क्वालिटी के साथ नया जितने भी सामान यहाँ यूज़ होते जितका सामान यूज़ होते हैं यहाँ पूरा देखा तो पूरा नवा हरे एक ठन पुराना ही दिखा तो आप सुनवारी हो ये पूरा शोल्डर पूरा टेंट भर नया टेंट लगे और ये जिन नया है जिन बीज भर लहरे है ना साइड पर है जिन पुराना वर्जन वाले जिन पुराने थे वो यूज़ करे थे और बाकी ये जिन बीच वाला पंडाल है जिन मेन पंडाल है जगह में बहुत बड़े पंडाल में पूरे नवा लगी और देखा तो पूरा और बॉडी भी पूरा ओरिजिनल बॉडी के साथ है तो ओरिजिनल बॉडी के साथ ये वीडियो में आप मन देखा तो संगवारी हो तो बिल्कुल बन जाए मोरू चैनल के माध्यम से और आप मन देखा तो पूरा एरिया जिन पहला टेंट लगे है और टेंट के अंदर में देखा तो कतका बड़े पंडाल है। ऊपर के एरिया दिखाना चाहो तो ऊपर के पंडाल के हिसाब से आपने देखा तो करते एक बड़े कवरेज है और बहुत में और उतनी बार जना भी सीजन अभी चला थे काम और एक तरफ है जितका महिला उतका मन महिला मन सहयोग करे बराते पुरुष मन सहयोग करे बराते और वीडियो के माध्यम से देखा तो सुन रहे हो यहाँ भरपूर मात्रा में सब जन अपन योगदान निभाए बरा है और देखा तो वो तरफ सबू दीदी मन बैठे है और मन काम करके वो तरफ गेरी से सामने उठती और जिन बाथरूम साइड भी बनाते हैं बाथरूम वगैरह की सुविधा सब चीज़ की सुविधा यहाँ कंप्लीट हुए है और आप मतलब वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाता हूँ। और यहाँ शिव महापुराण की कथा बहुत मतलब राजनांदगांव के दूसरा जगह है और आसपास में कभी नहीं हुई रही से और दुर्ग क्षेत्र में हो रही सोखर बाद यहाँ और पहले ही बता देना चाहूँ अमलेश्वर में अभी द्वितीय हुई से अमलेश्वर के बाद यहाँ हुए तो बहुत खुशी की बात है कि गंडई के धराधाम धर्मनगरी में बहुत मार्मिक बात इतना खुश हो है या धर्मनगरी गंडई के धराधाम में पहुंचे हो और ये दाई मन है अपन सहयोग निःशुल्क सहयोग माने जाए अपन बलबूते के साथ सहयोग दे बरा है और यहाँ के एरिया दिखाए के प्रयास करूँ कि बहुत बड़े एरिया में है और बहुत बड़े एरिया में सब गाँव के मन आके महिला पुरुष लड़का सियान सब जन आके यहाँ अपन फुल सहयोग देते दाई मन संग गोड़ बात पर एक प्रयास करबो कि दाई मन अपन राय बताही कि मन कब से आते हैं और का सहयोग करे है सुबह से लगभग के बजे से है मन बात करे प्रयास करबो दाई तो मोर चैनल में अपन के जय जोहार। जय जोहार। तो अपन के नाम का है? अपन जलकेना है जलकेना वर्मा लोधियर। तो अपन बताओ यहाँ कब से अपन काम करते हो? आज आहन 9 बजे आओ ट्रैक्टर में। कौन बहनी मत कोटरा से कोटरा मुंदेली। तो संगवारी हो दाई है और ये दाई मन सन बात करते हैं तो आपन के नाम बताओ दाई। मोर बसंती जंगेल ना है हमन जंगेल हरन लोधी और हमार गांव कोटरा हरे हमन 20-25 जना हन कोटरा ले आज सहयोग दे बरहा ट्रैक्टर में। तो आप मन कम से कम 18 से 24 तक है तो अपन पूरा लास्ट तक सहयोग दे बरहु आना जाना करबो बेटा जैसन बनही तैसन खुला सेवा करबो बिल्कुल। हमार गांव तीर में होत है हमार गांव में होत है 10 किलोमीटर के अंदर में होत हमार घरे में होत समझ जा। बाबा जी कैसे करके आवत है तेल हम दर्शन करे बर आबो सेवा देबो बिल्कुल। तो आप मन ये बताओ जब प्रदीप मिश्रा जी के कथा पहली बार गंडी धारा धाम में होते तो इतना कते ज्यादा खुश लगा था? बहुत ज्यादा खुश लगा थे कि आप मन और कोनो जगह में देख प्रदीप मिश्रा जी के कथा ये तीसरा पंडाल हो ही रायपुर में देखे हैं कोड़िया में गिरे हैं यह तीसरा पंडाल होगी बाबा जी दर्शन कर। तो आप मन बताओ कि कोड़िया में माहौल का रही से बहुत ही अच्छा रही कोड़िया रायपुर में माहौल रही से कोड़िया का माहौल बहुत अच्छा रही से। और प्रदीप मिश्रा जी की कथा कब से सुना था आप? हम बहुत दिन के सुना था टीवी में देखे तब के ना बोकर जाए के आसरा बढ़ी से गे हन 3 पंडाल हो गए हमारा जावा। तो ये बताओ कि प्रदीप मिश्रा जी की जब कथा सुनते आप मन तो कुछ उपचार बचाते हो उपचार उपदेश कुछ बताते हो कुछ कंप्लीट हो आप मन के कुछ मनोकामना? शिवाय नमः शुद्धम हां वो सब सीख गए है और जल चढ़ाए बर तो सबे सीख गए है।
इसे पहली नहीं चखातरी से नहीं चखातरी से कोनो नहीं चखातरी से श्री शिवाय नमः शुद्धम के बर सिग्गे है सब लइका सिया शुद्धा और जल चढ़ाए पर कोनो नहीं भुलाए। तो संगवारी हो देखियो ये माता राम है कोटरा से है लगभग हर से भैया मन के गांव के कार के कार्यक्रम में वहीं से जाता हूँ मैं। हाँ तो भैया मन सन पहचान होते और दीदी मन सन अभी पहचान हुई से तो वीडियो के माध्यम से आप मन देखो संगवारी हो और शिव महापुराण की कथा के पंडाल इतना बड़े पंडाल है और लगभग मोर ख्याल से 8 दिन बचे हैं और 8 दिन में पूरा कंप्लीट हो ही कवरेज कर ही और वीडियो के माध्यम से आप अपना बताया के प्रयास करें कि दीदी मन है और बहनी मन है आपन हंसे वाला बात नहीं है कार की ओमन अपन अनुमति के साथ कोटरा से लगभग एमन सबो जन मिलजुल के यहाँ है वीडियो के माध्यम से आप अपना बताया के प्रयास करें संगवारी हो फिर मिलता नव वीडियो के साथ में जब तक के लिए राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़ शीर्ष नमस्तुभ्यम।